वट सावित्री हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजऋषि अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया था कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। विवाह के एक साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उसका पति है और वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से ही सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वह लकड़ी काटने जंगल जाने लगी, तो सावित्री भी उनके साथ वन गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, वैसे ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज यमदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री को से वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। यमराज सावित्री की प्रतिवरता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आने का वर मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही है, तो उन्होंने फिर से वरदान मांगने को कहा, तो सावित्री ने अपने ससुर होया राजपाट वापस मांग लिया। यमराज ने यह भी वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन में बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दे दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए और वे वहाँ से अदृश्य हो गए। सावित्री वहाँ से लौटकर वट वृक्ष के पास आ गई। उन्होंने देखा कि सत्यवान पुनः जीवित हो गए। सावित्री के व्रत और पतिव्रता धर्म से सत्यवान को दोबारा जीवन मिल गया। इसके बाद से ही सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करने लगी, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और उन्हें भी पुत्र सुख की प्राप्ति हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो।